हेलो दोस्तों, मैं एनीवेज स्वागत करता हूं आप सबका यूनिक गैजेट सीरीज के एपिसोड 10 पर। दोस्तों, आज का जो ये यूनिक गैजेट है ना, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो इसको मैंने अमेजोन से परचेज कर लिया है। इसके ऊपर एक सील है, चलो इसके सील को पहले कट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा ये सील खुल चुका है। अब चलो बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या है। तो ये रहा गाइस हमारा मेन प्रोडक्ट, पोर्टेबल सीलिंग मशीन। एक छोटा सा सीलिंग मशीन है। अब इससे पहले आप किचन पे जो भी आइटम्स को आप पैकेट वाले को खोल के रखते थे, या तो उनको आप रबर से बांधते थे या फिर पॉलीथीन के अंदर गांठ मार के रखते थे। और वैसे में क्या होता है ना, बहुत बार उस पर मॉइस्चर चला जाता है, हवा लग जाता है, चींटियां लग जाती है। तो वैसे पे ना ये छोटा सा सीलिंग मशीन आपका बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले इसके बॉक्स पे आएंगे, यहाँ पे पोर्टेबल सीलिंग मशीन लिखा हुआ है। नीचे आप देख सकते हो बटन स्विच, इजी टू यूज, बहुत ही इजीली आप इसको यूज कर सकते हो। साइड पे आओगे, साइड पे देखो पोर्टेबल सीलिंग मशीन, दोनों साइड पे वही लिखा हुआ है। अदर साइड पे आपको इसका ना यहाँ पे चार्जिंग पैरामीटर्स दिया गया है। कोई भी आप 5 वोल्ट के चार्जर को यूज कर सकते हो, 1 एम्प्स वाले। बैटरी कैपेसिटी इसके अंदर आपको 300 mAh का मिल जाता है, तो डिसेंट सा आपको बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। और रेटेड पावर 16 वाट का मैक्सिमम यहाँ पे पावर देने वाला है। मेड इन चाइना प्रोडक्ट है और काफी छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा। बॉक्स के साइड पे आओगे तो देखो यहाँ पे इसका यूजेज मेथड दिया गया है कि कैसे आपको इसको यूज करना है, पहले स्विच ऑन करना है, कैसे आपको स्लाइड करना है, कैसे आपको कट करना है। हालांकि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा है। तो बॉक्स के यहाँ पे साइड्स ओपन कर लेंगे गाइस, एंड इसके अंदर ना हमें एक प्लास्टिक का बैग देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर मेन हमारा प्रोडक्ट पैक किया हुआ है। देन इसके अंदर हमें एक मिल जाता है यहाँ पे USB A to Type C केबल, और ये काफी एक अच्छा चीज दिया गया है। एंड थर्ड इसके अंदर से हमें एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, इसको कैसे यूज करना है, कैसे चार्ज करना है, आप इस पे पढ़ के जान सकते हो। तो ये गाइस हमारा पोर्टेबल रिचार्जेबल सीलिंग मशीन। सबसे पहले इसके फिजिकल ओवरव्यू पे आएंगे तो ये मैंने व्हाइट ग्रे कलर पे लिया है और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और क्यूट नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर टॉप पे ना आपको 2 बटन नजर आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका सीलर मशीन मिलेगा, और सेकंड आपको इसके अंदर एक कटर बटन मिल जाता है। यहाँ पे राइट साइड पे आपको एक पावर ऑन एंड ऑफ बटन मिलेगा, जिसको आप ऑन कर सकते हो स्लाइड करके। और लेफ्ट साइड पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है इसे चार्ज करने के लिए, और उसके बगल में आपको LED इंडिकेटर मिलता है। ये फुल हार्ड प्लास्टिक का इसका बॉडी बना हुआ है, लेकिन काफी ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल फील हो रहा है। इसके बेस पे आएंगे ना तो बेस पे एक ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे मैग्नेट देखने को मिल जाता है, जिससे इसे आप किचन पे अपने रेफ्रिजरेटर पे या फिर किसी भी मेटलिक पार्ट पे चिपका के रख सकते हो। फोन के कंपैरिजन में आप देख सकते हो कितना ज्यादा छोटा आपको ये डिवाइस मिलता है, बहुत ज्यादा स्मॉल और पोर्टेबल आपको ये मिल जाता है। वेट की बात करें तो बहुत ज्यादा लाइट वेट आपको ये मशीन मिल जाता है। इस तरीके से जब आप पावर ऑन करोगे ना, तो अदर साइड पे इसका लाइट यहाँ पे ग्लो करने लगता है और ये प्रीहीट होने लगता है। अब आप जब भी सीलिंग करोगे ना, तो इस तरीके से ऑन कर देना 10 सेकंड पहले, तो उससे क्या है ना, इसके कॉयल्स जो है ना वो थोड़े गर्म हो जाते हैं। अब इसका कॉयल आपका गर्म होकर बैटरी ड्रेन नहीं करते रहेगा। जब दोनों कॉन्टेक्ट साथ में आते हैं ना, जब आप बटन को प्रेस करोगे तब जाकर के ये आपका सीलिंग करता है। और जब आप इसको प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पे इसका इंडिकेटर बंद हो जाता है, यानी कि तब उस पीरियड पे ये सील करता है। चलो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली सैंपल दिखाता हूँ अलग अलग टाइप्स के प्लास्टिक को ये सील करता है कि नहीं, चलो टेस्ट कर लेते हैं और कैसा इस पे आपको फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पे मैं 3 टाइप के प्लास्टिक लेके आ चुका हूँ। एक नॉर्मल हमारा जो इस तरीके का प्लास्टिक बैग होता है, जिसपे आपको ना राशन की दुकान पे दाल वाल ये सारी चीजें मिलती हैं सील करके। दूसरा हमारा कोई भी एक प्रोडक्ट का पैकेट, जिसपे जैसे इसके अंदर ना हरी वाली किशमिश थी, तो ये मैं लेके आ चुका हूँ। और इस तरीके से हम लोग आधा यूज़ करके रखते हैं, उसके बाद ना हमारा ख़राब हो जाता है प्रोडक्ट, तो ये मैं आपको सील करके दिखाऊंगा। और तीसरा मैंने एक ना यहाँ पे मिक्सचर का एक पैकेट यहाँ पे ले लिया है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे ना इस पैकेट को मैं आपको करके दिखाता हूँ सील। तो हमें करना क्या है, हमें इसको ना इस तरीके से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे ब्लू कलर का लाइट ग्लो होता रहेगा, यानी कि अभी रेडी टू यूज़ है। और आपको क्या करना है ना, आपको इस तरीके से ना प्लास्टिक को इसके अंदर डालना है, ठीक है। यहाँ पे आप साइड से मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो इस तरीके से आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है, जितने भी अंदर आपको यहाँ पे सील करना है। तो ये आप डिसाइड कर लेना कि आपको किस लेवल पे सील करना है, कि आपको सिर्फ बाहर पे सील करना है या फिर अंदर पे सील करना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप इसको रख दो, और जैसे आप इस बटन को यहाँ पे प्रेस करके इस तरीके से धीरे धीरे खींचोगे ना, तो ये आपका ना यहाँ पे सील होता जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्लास्टिक दिखाता हूँ। देखो ये फुल आपका खुला हुआ पैकेट है, कहीं भी ये सील नहीं है ना। तो चलो इसको मैं आपको सील करके दिखाता हूँ। और बस आपको यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग को हिट करना है। अगर आप ज़्यादा देर इसको दबा के रखोगे एक जगह पे, तो वो जल जाएगा, और अगर आप बहुत जल्दी छोड़ दोगे तो वो अच्छे तरीके से सील नहीं होगा। तो यहाँ पे चलो इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ इस तरीके से, और धीरे धीरे इसको मैं यहाँ पे स्लाइड करता जाऊँगा। जो देखो गाइस यहाँ पे परफेक्टली सील होता जा रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको सील कर देना है, और देखो ये हमने यहाँ पे सील कर दिया। एक आपको यहाँ पे क्रीज एक लाइन नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इसने सील किया हुआ है। तो देखो जहाँ हमारा पैकेट पूरा खुला हुआ था, तो अब देखो गाइस ये कितने अच्छे तरीके से, कितना टाइटली इसने सील किया है। मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ इसे खोलने की, बट ये नहीं खुल रहा है। देखो
तो इस तरीके से ना आप पैकेट्स को ना दोबारा सील कर सकते हो। और देखो यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप मिल रहा है, अच्छे तरीके से सील नहीं हुआ है, तो उस जगह पे बस आप इसको डबल चला देना कुछ अलग तरीके से, लाइक आप क्रॉस यहाँ पे सील कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सेम अगर लाइट आप चलाओगे ना तो वो कट सकता है, इसलिए आप यहाँ पे क्रॉस सील चला देना। क्रॉस चलाओगे ना तो यहाँ पे अच्छे तरीके से सील कर देगा। फिर इसको मैंने सील कर दिया, अब यहाँ पे हमारा पैकेट अच्छे तरीके से सील हो चुका है। अब जैसे कुछ पैकेट्स जो हम आधे फाड़ करके सामान को यूज़ करते हैं बट पूरा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको कैसे यूज़ करना है? सिंपली इसके अंदर ना आपको एक कटर मिलता है, देखो उसके लिए आपको नाइफ या फिर सीजर्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सेकेंड बटन को प्रेस करोगे ना तो इसके अंदर से एक ब्लेड यहाँ पे काफ़ी नुकीला निकल के आता है, तो इसको आप इस तरीके से रख दो। और हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, क्योंकि इसका ब्लेड का डायरेक्शन उसी तरीके से दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको प्रेस करोगे ना लेफ्ट टू राइट रख करके, तो यहाँ पे देखो आपका प्लास्टिक कुछ इस तरीके से कट के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लास्टिक भी इससे कट कर सकते हो, इसके अंदर आपको कटर भी मिल जाता है। तो देख लो गाइज, इसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन पे कट कर लिया है ऑलमोस्ट। अब इसको सील करना बहुत ही सिंपल है, हमें बस इसके अंदर इस तरीके से इसे डाल देना है एकदम एज पे, और सबसे पहले वाले बटन को दबाना है, फर्स्ट वाले बटन को, और यहाँ पे हमें इसको लेफ्ट की ओर इस तरीके से खींचते जाना है। तो बस यहाँ पे इसे हम डाल लेंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से और प्रेस करके रखेंगे, और धीरे धीरे हमें बस इसको यहाँ पे स्लाइड करते जाना है। तो देखो हमारा पैकेट यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सील हो चुका है। एंड अब आपको ये नॉर्मल प्लास्टिक में सील करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ना इसके एक साइड पे कर लूँगा सील मैं, और ये थोड़ा पतला प्लास्टिक है ना तो इसको मैं जल्दी स्लाइड करूँगा। अगर लंबे टाइम तक स्लाइड करूँगा ना तो यहाँ पर ये कट सकता है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही क्विकली यहाँ पर ये विद इन 5 to 10 seconds ये मैंने सील कर दिया। अब एक साइड के, अब दूसरे साइड के लिए मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से खींच दूँगा, और यहाँ पे ये कट चुका है। जैसे मैंने इसको सील किया ना तो ऊपर वाला कट गया क्योंकि मैंने ज़ोर से सील किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे सील हो चुका है। देखो वाओ यार, क्या अमेजिंग सील हुआ है। तो अगर आपको कुछ यहाँ पे पैकेट में बंद करना है, जैसे नमकीन हो गए, बादाम हो गया, किसी को आपको भेजना है या फिर आपको सेल करना है दुकान के लिए, तो ये देखो कितना अमेजिंग यहाँ पर सील हो पाया है। मैं आपको क्लोजली दिखा रहा हूँ, देखो पूरा फुली ये पैकेट ना सील हो चुका है अच्छे तरीके से। एंड गाइस, इसे जब आप लंबे टाइम तक यूज़ करोगे ना तो आपको ना इस पोर्शन पे जिधर चार्जिंग पोर्ट है ना यहाँ पे आपको हल्का सा हीट फील होगा, लेकिन उतना भी गर्म नहीं है कि यूजेबल नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। सो देखा गाइस कितना यूजफुल ये प्रोडक्ट है और कितना अमेजिंग परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको मिल जाता है। एंड इसके चार्जिंग टाइम के बारे बताओ तो इसको फुल चार्ज करने में 1 घंटे के अराउंड लग जाता है, और आराम से फिर ना ये आपका चलता रहेगा। यूजेज पर डिपेंड है, अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका 2-3 दिन 4 दिन चलेगा, और अगर आप कम यूज़ करते हो, अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करोगे तो आपका 10 दिन या ज़्यादा भी चल सकता है। तो इसका बैटरी बैकअप ना मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा कुछ महीने यूज करके। तो काफी ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है, अमेज़न पे आपको ये 250 रुपए के अराउंड देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है ना वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप इसे खरीद सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दो, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।